हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर सेकंड ऑफ संस्कृत करेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय दो। जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें इसका नाम क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है। जैसे हमने पहला क्या पढ़ा था चैप्टर, आकारांत पुलिंग है। अब ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है, आकारांत शब्द क्या होते हैं, जिसके अंत में आ आता है। जैसे एकारांत में क्या था, जिसके अंत में ए आता है, आकारांत में जिसके अंत में आ आता है। और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग मीन्स फीमेल। जैसे इसके एग्जाम्पल स्त्रीलिंग के क्या होंगे, लता, अध्यापिका, वाटिका, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल। ठीक है, और जिसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। और आकार इस जो पार्ट होगा इसके अंदर हम सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। और वो कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे एशा, एते, एता, सा, ते, ता। अब ये क्या होते हैं, इसका जो एशा है इसका मूल शब्द क्या है, एतत। अगर जो नियर बाय जो जो भी वो होगी कोई भी थिंग्स उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एतत। और जो दूर होंगी चीजें उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तत। तो एतत क्या हुआ, यह है, और तत क्या हुआ, वह है। स्त्रीलिंग रूप में अब इसका जो मूल रूप है वो है एतत। एतत में एक वचन में क्या बोलते हैं, एशा, द्विवचन में एते, और बहुवचन में एताह। इसका क्या मतलब है, एशा मतलब यह है, एते मतलब ये दो, एताह मतलब ये सब। जैसे एशा बालिका, एशा बालिका यह बालिका, एते बालिके ये दो बालिकाएं, एतः बालिका ये सब बालिकाएं। इसी टाइप से अगर हम तत्, तत् मतलब जो दूर होंगे, कोई भी व्यक्ति जो दूर है उसके लिए जो प्रयोग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, तत्। जैसे सा, सा में सा का अर्थ क्या होता है, वह। जैसे एशा का अर्थ यह, सा का अर्थ वह, तो क्या होगा, सा बालिका, वह बालिका। ये किसके लिए यूज किया, एक वचन के लिए। द्विवचन में क्या यूज करेंगे, ते बालिके, वे दो बालिकाएं। और बहुवचन में ता बालिका, वे सब बालिकाएं। ठीक है, और ये जो है ये आसानी से आपको कब लर्न होंगे, जब आप रूप पढ़ेंगे। रूप में जैसे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में लता, लते, लतः, तो उसी से ही हो गया। देखो एशा, एते, एता, ऐसे ही सा, ते, ता। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन इज शब्द परिचय है सेकंड, सॉरी चैप्टर टू जो है वो क्या है, शब्द परिचय है दो। अब इसका हम पहले जो पार्ट है ये देखिए, ये इसमें क्या दे रखा है, पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर को देख के इस सब में ये क्या लिखा है, संस्कृत दे रखी है, और उसका मैंने साथ में ही हिंदी भी लिखा है। मतलब हिंदी में मतलब क्या है, इसका अनुवाद लिखा है। जैसे संस्कृत में पहले क्या है, देखो वाक्य है एशा का, एशा, और ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है तो एशा लगा। अब ये क्या है, ये पास में ही दिखा रखा है, एशा का। एशा का अर्थ क्या होगा, यह है। का अर्थ क्या होगा, क्या है, तो यह क्या है। एशा दोला, यह है, एशा मतलब यह है, दोला मतलब झूला है। एशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला का अर्थ क्या होगा, झूला, कुत्र मतलब कहाँ, अस्थि मतलब है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्थि, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब बगीचे में, अस्थि है, झूला बगीचे में है। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं यही पैराग्राफ, एशा का, यह क्या है, एशा दोला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज दिस वन। अब ये देखो यहां पर क्या यूज किया है, सा। सा मैंने बताया था किसके लिए यूज करेंगे, जो दूर चीजें होंगी। सा का, सा का अर्थ क्या होगा, वह, वह क्या है। सा घटिका, सा मतलब वह, घटिका मीन्स घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मतलब बताती है, घड़ी क्या बताती है। घटिका, घटिका मतलब घड़ी, समयम, समयम मतलब समय, सूचयति बताती है।
तो क्या हुआ देखो, सा का मतलब वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। ठीक है, अब का नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए क्या है, एते के। अब एते किसके लिए लगेगा, एशा लगा सिंगुलर के लिए, एते द्विवचन के लिए, एते क्या हो गया दो के लिए, एते के, ये दोनों, के का मतलब कौन है, एते मतलब ये दो, और ये के का मतलब कौन है, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते ये दो, कोकिले मतलब कोयल है, क्या ये दो कोयल है। ने मतलब नहीं, एते ये दो चटके गोरैया हैं, नहीं ये दो गोरैया हैं। चटके किम कुरुत है, चटके मतलब दो गोरैया, किम मतलब क्या, कुरुत है कर रही हैं, दो गोरैया क्या कर रही हैं। एते मतलब ये दोनों, विहरत है मतलब फुदक रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। फिर से पढ़ते हैं, एते क्या के, सॉरी एते के ये दो कौन है, किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं, नहीं एते चटके, ये दो गोरैया हैं। चटके किम कुरते है, दो गोरैया क्या कर रही हैं, एते विहरते है, ये दोनों फुदक रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस वन। अब इस पैराग्राफ में ये जो एरो लगे हैं, इसका मतलब इन एरो के बारे में ही हमें इसमें बताया गया है। जैसे देखिए क्या है, ते के, ते मतलब वे के मतलब, ते मतलब वे दो, दो के लिए यूज हुआ है, और के मतलब कौन है, ते मतलब वे दोनों कौन है। देखिए ये दिखा रखा है, ये एंड ये, इसमें कोई ड्राइवर है तो वे दोनों कौन है। ते चालिकेस्त है, ते मतलब वे दोनों चालिकाएं हैं, चालिकाएं मीन्स लेडी ड्राइवर्स हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों, किम मतलब क्या, कुरुत है मतलब कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयत है, ते मतलब वे दोनों, वाहनम मतलब वाहन, चालयत है मतलब चला रही हैं। तो फिर दोबारा से देखते हैं, ते के वे दोनों कौन है, ते चालिकेस्त है, वे दोनों चालिकाएं हैं, ते किम कुरुत है, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयत है, वे दोनों वाहन चला रही हैं। ओके, अब द नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस वन। संस्कृत में क्या दिया है देखो, इस पिक्चर को देख के इसे एक्सप्लेन किया है, एता का। अब ये दो नाओ के क्या है, बहुवचन है, इसलिए क्या यूज किया, एता, एता मतलब ये सब, या ये लिख देंगे, एता का, ये क्या है, एता स्थालिका, एता मतलब यह, स्थालिका मतलब थालियां हैं, यह ये थालियां हैं। किम एता गोलाकारा, किम मतलब क्या, एता मतलब ये, गोलाकारा गोलाकार हैं, क्या ये गोलाकार हैं। आम, आम मतलब हाँ, एता ये, गोलाकारा एव, गोलाकारा मतलब गोलाकार, एव ही हैं, हाँ ये गोलाकार ही हैं। तो क्या हुआ, एता का ये क्या है, एता स्थालिका ये थालियां हैं, किम एता गोलाकारा क्या ये गोलाकार हैं, आम हाँ ये गोलाकार ही हैं। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज दिस वन। क्या दिया है, ता का, ये सब कौन है, ता मतलब, अब क्या बहुवचन में क्या यूज करते हैं हम, ता क्या है देखिए, ये सब, ता मतलब ये सब, का मतलब कौन है, ता अजा, अजा मतलब बकरियां, ता मतलब वे सब, और अजा मतलब बकरियां। ठीक है, और ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, ता कुर्वन्ति मतलब कर रही हैं, किम मतलब क्या, वे क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, ता मतलब वे सब, चरन्ति चर रही हैं। फिर से पढ़ते हैं, ता का,
वे सब कौन है? ता अजह, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट सेकंड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बार बार अगर फिर से क्या करेंगे, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ये हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।